बिग बॉस के सेट पर आते ही अनिल कपूर जी ने शिवानी कुमारी से पूछा कि क्या बात है शिवानी, आप अपना सर पकड़कर क्यों बैठी हैं। इस पर शिवानी कुमारी का कहना था कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो अनिल कपूर जी ने कहा कि क्या कोई बात है या आप सना के बगल में बैठी हैं इसलिए आपके सर में दर्द हो रहा है। तो शिवानी कुमारी ने कहा कि नहीं सर, ऐसे ही मेरे सर में आज दर्द हो रहा है। फिर अनिल कपूर जी ने नेजी जी से पूछा कि आज नॉमिनेशन का दिन है, आप नीचे किसे ले जाना चाहेंगे। तो नेजी जी ने शिवानी कुमारी का नाम लिया। इस पर अनिल कपूर जी ने पूछा कि क्यों उसके सर में दर्द हो रहा है इसीलिए आज आप उसे नॉमिनेट करना चाहते हैं या कोई और रीजन है या उनका सर दर्द भी आपको फेक लगता। तो इस पर नेजी जी का कहना था कि हाँ हो सकता है कि वो ये ड्रामा कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार ड्रामा कर चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो सच बोल रही है कि उनके सर में दर्द हो रहा है। इस पर शिवानी कुमारी ने कहा कि नेजी भाई अगर आपको लगता है कि ये ड्रामा है तो ठीक है, लेकिन मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं कोई ड्रामा करती हूँ। जब अनिल कपूर जी ने इसका रीज़न पूछा कि आपने शिवानी जी को क्यों नॉमिनेट किया है, तो इस पर नेजी जी का कहना था कि वो बहुत ही बदतमीजी से दूसरों से बात करती हैं, उनको बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। शिवानी कुमारी ने कहा कि आपको लगता है कि मैं बदतमीजी से बात करती हूँ लेकिन मैं बदतमीज़ हूँ नहीं। तो नेजी जी ने कहा कि हाँ हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता हो। वहीं कृतिका जी को अपने घर की बहुत याद आ रही है, उन्हें अपने बच्चों की याद बहुत सता रही है। इस पर अरमान मलिक ने मजाकिया अंदाज में कृतिका से कहा कि कहो तो बिग बॉस से घर छुड़वा दूं आपको। वहीं दूसरी तरफ नेजी जी ने शिवानी कुमारी को समझाया कि अगर आप अपने बर्ताव में थोड़ा सा सुधार लाएं, थोड़ा सा मीठा बोले, प्यार से दूसरों को बोले तो दूसरे आपकी बात को समझेंगे सुनेंगे, लेकिन आप जो इस तरह से चिल्ला करके बात करती हैं इससे लोगों को गुस्सा आता है, लोग आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और अगर आपको कहीं पर ज़रूरत लगती है चिल्लाने की तो बेशक आप वहाँ पर चिल्लाइए, जहाँ पर ज़रूरत हो आपको बोलने की आप बेशक वहाँ पर बोलिए, लेकिन हमेशा चिल्ला करके बात करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिग बॉस के ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।